everyone and welcome back to my channel. I hope कि आप सब ठीक ठाक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं. तो बस ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 4 बजे और क्योंकि मुझे जाना है और फैसल को मैंने कहा था कि आज आपके जो भी काम वगैरह है उनसे ज़रा जल्दी फ्री हो जाइएगा ताकि फिर हमें जो है वो लेके जाएं अजमान. मुझे लेना था अपने लिए अबाया. एक काफ़ी टाइम से अबाया मैंने नहीं लिया है और वैसे भी जितने मेरे पुराने अबाए ना वो सब मुझे मतलब फिटिंग में आ रहे हैं. वैसे तो मैं वेट लूज कर रही हूँ, आई मीन दैट प्रोसेस टू लूज वेट, बट फिलहाल के लिए डेफिनेटली मुझे बुरखा चाहिए, अबाया चाहिए जो कि थोड़ा सा खुला हो. तो बस मैं भी काम से फारिग हो गई थी एंड फैसल भी टाइम से आ गए थे और अब हम निकलने लगे हैं. फैसल वो नीचे चले गए गाड़ी स्टार्ट करने के लिए और मैं हादी के साथ बस यहीं पर हूँ. तो मैंने कहा पहले मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट ले लूँ, उसके बाद फिर नीचे जाती हूँ हादी को लेके. तो चले आगे जितना हो सका तो ब्लॉग आप लोगों के साथ ब्लॉग में दिखाती रहूंगी कि कहाँ जा रहे हैं और क्या ले रहे हैं. तो फिलहाल ये आप हादी से मिलें. हादी की कल बाय द वे कल फैसल ने इसके सर के दोबारा से बाल जो है वो इसकी गंज करवा दी है क्योंकि कहते हैं ना कि बाल इसकी वजह से ना बड़े कम आ रहे हैं. तो बस यही सपने का है कि जितना हो सके ना इसके बार बार आप लोग जो है गंज करवाएं ताकि इसके भर के बाल आए. तो लेट्स सी अब ये थर्ड टाइम गंज हुई है तो क्या इसका रिजल्ट आता है. तो चले फिर आगे आपसे मिलती हूँ. अभी फिलहाल मैंने एक कंफर्म किया वो भी मुझे डाउट और इतने प्यारे डिजाइन यहाँ लगे हुए तो मैं सोच रही हूँ कि चेंज करवा के दूसरा डिज़ाइन ले लूँ. इट लुक्स रियली नाइस. तो एक इस पे दिला रहा है, मैं सोच रही हूँ ईद के लिए भी ले ही लेती हूँ. एक कौन सा फाइनल करती हूँ, दो लेने जो कि मैं अपने ऑफिस में पहन के जा सकूँ और ईद पे भी जो है दूसरा अच्छा लगे. जी हमने ले लिया है और अभी सामने ही ना कुछ बर्तनों की शॉप है तो फैसला कर रहे हैं रमजान आने वाले हैं तो तुम यहीं से अभी देख लो, बार बार निकला नहीं जाएगा. जाहिर सी बात आगे फिर बहुत ट्रैफिक हो जाती है जैसे जैसे रमजान करीब होता है, रस्ते दुकानें शॉप्स वगैरह सब फुल होती है. तो बस अभी हम बर्तन वगैरह देखने के लिए. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. तो बस आज नेक्स्ट डे है और मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग पे. वैसे तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ बट कुछ मीटिंग्स होती हैं मुझे जाना बड़ा ज़रूरी होता है. दफ़ा शाम को आया था फैसल के साथ दुबई से, उसको लेकर आए थे तो वो बाहर ही सो रहे हैं मुस्तफ़ा के साथ थी. तो मैं उनको बस बुलाऊंगी कि अंदर आ जाएं हादी के पास, वहाँ के लेट जाएं ताकि मैं निकल सकूं. इसको वैसे मैंने फीड करवा दिया और चेंज भी कर दिया है तो ये खैर उठेगा नहीं 2-3 घंटे तक. एंड आई होप तब उठे ये, जब ये उठेगा तो मैं आ जाऊँगी. तो यहाँ पर ये लोग सो रहे हैं और मैं बस इनको उठाती हूँ, बोलती इसके पास आ जाएँ. तो चलें फिर होपफुली मैं 11:30 बजे तक आ जाऊँगी ऑफिस से. तब तक मेरा मिस है, काफ़ी दिनों के बाद मैं निकल रही हूँ घर से. नहीं तो एज यू गाइस नो कि मेरा वर्क फ्रॉम होम ही होता है तो बस मीटिंग आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट और मेरे बगैर वो होगी नहीं. सो आई एम जस्ट लिविंग नाउ फॉर दैट. तो रास्ते में आपसे मिलती हूँ. फैसले को मैंने उठा दिया था कि हादी के पास चले जाएँ क्योंकि मैं निकल रही हूँ. तो अच्छा ये बड़ा मसला है, आई मीन मेरी जो है वो ऑफकोर्स दिन में काम होता है, फैसल का शाम को काम होता है. तो बस फैसल का तो ये है ना कि उनका अपना काम है तो वो देख लेते हैं, मेरा जो होता है ज़ाहिर सी बात है जॉब है. फिर जब जॉब से आपको कॉल आ जाए यू हैव टू गो. तो बस अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगी एंड गाड़ी में बैठ के फिर आपसे बात करती हूँ. अच्छा जी तो बस मैं जो हूँ अभी रोड पर हूँ और फिलहाल यहाँ तो कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं लग रही है, आगे जाके पता लगेगा कि कितनी ट्रैफिक है कितनी नहीं है. एनीवेज मैं तो टाइम से पहले ही निकली हूँ ताकि अगर ट्रैफिक में फंसती भी हूँ तो मैं लेट ना हूँ अपनी मीटिंग के लिए. तो फिलहाल तो 7:55 हो रहे हैं और मुझे मीटिंग से पहले एक और जगह जाना है.
ये मेरा सबसे बड़ा स्कूल है जिसको मैं हैंडल करती हूँ. तो बस अब मैं पार्किंग करूँगी यहाँ पे एंड देन फिर अंदर जाऊँगी. अभी वैसे मैं टाइम से पहले पहुँच गई, इट्स 9:13 और मीटिंग जो है वो 9:30 पे. तो एनीवेज जल्दी आना बेहतर है बजाय इसके कि आप लेट हो जाओ. तो बिल्कुल मैं सही टाइम का अंदाज़ा लगा के निकली, 15-10 मिनट पहले पहुँच गई, 15-16 मिनट. या तो बस ठीक है, अब मैं पार्किंग करती हूँ, अंदर जाती हूँ और देखती हूँ अगर मैं अंदर का कुछ शूट कर सकी तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है मैंने ब्लॉग, यू नो अभी मेरे वर्क स्पेस में मेरे कुलीग्स को किसी को नहीं पता था टाइम ब्लॉगिंग, वो तो उन्हें आज ही पता लगेगा जब मैंने उनके सामने कैमरा ऑन किया. तो मैं जल्दी से अपना ये पास वगैरह ठीक करती हूँ एंड देन आई विल गो इनसाइड पार्किंग करके. ओके गाइस, तो बस मेरी मीटिंग हो गई थी और मैं अब रस्ते में हूँ. सॉरी कि मैं अंदर कुछ शूट नहीं कर सकी बिकॉज आई गॉट रियली बिजी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने यू नो गई थी मीटिंग पर, यू नो सबसे मिली, तो बस वॉज रियली बिजी, मीटिंग हुई और उसके बाद बस अब मैं वापस घर जा रही हूँ. तकरीबन टाइम हो रहा है 11 बजे का, तो आई एम जस्ट ट्राइंग बैक टू होम और फिर घर चल के बस मुझे ये है कि जल्दी से मैं हादी को देखूँ. काफ़ी दिनों बाद उसको ऐसे मैं अकेला छोड़ के निकली हूँ, तो बस दिल को कुछ हो रहा है. तो बस जल्दी से जाती हूँ क्योंकि मैंने फैसल को फ़ोन किया, वो फ़ोन रिसीव नहीं करें, तो मे बी वो सो रहे होंगे और हादी में से कुछ सो रहा ही होगा. तो बस अभी मैं घर पहुँचती हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी. अच्छा जी, तो ऑफिस से मैं आ गई थी और जब आई थी हादी उठ गया था, तो उसको खिला पिला के दोबारा सुला दिया था एंड घर पे भी खाना बनाना था तो वो बनाया था. तो बस अब तकरीबन शाम का टाइम हो गया है और मैंने आप लोगों से शेयर करना था जो हम कल अजमान गए थे वहाँ से क्या क्या. अच्छा जी, था? मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो भी मैंने छोटी मोटी या 2-3 चीज़ें ली हैं किचन के लिए. वैसे तो मेरे पास हॉट पॉट्स ऑलरेडी 3 हैं, बट दे आर यू नो साइज फ्रॉम मीडियम टू स्मॉल. तो मैंने सोचा कि एक लार्ज ले लेती हूँ, गैदरिंग होती है, ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर यू नो क्वांटिटी ज़्यादा इसमें स्टोर हो सकती है. साथ ही मुझे किचन की छोटी मोटी कुछ चीज़ें जो हैं रिप्लेस करनी थी विद द न्यू वन, तो बस मैंने वो ली. फ्रायर जो है आई लव्ड इट बिकॉज मेरे पास जो है बाकी जो फ्रायर्स हैं वो इतने डीप नहीं हैं, तो बस मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये चीज़ किचन में होनी चाहिए विच इज़ वेरी यूज़फुल. आप इसमें कढ़ाई वगैरह भी बना सकते हैं, यू नो पकौड़े भी ज़्यादा क्वांटिटी में तल सकते हैं एक टाइम में, सो दिस वुड बी रियली यूज़फुल फॉर माय किचन. गाइस, तो बस शाम का टाइम है और घर में आए हुए हैं अम्मी, सॉरी तो घर में आए हुए अम्मी अबू एंड सना साम भाई लोग. तो मैं दिखाती हूँ, अब्बू जी इधर देखें, मेरे ब्लॉग में हाय कर दें. असाम भाई, हादी, मैं शेव करवा गया हूँ खास ब्लॉग के लिए. बैठा है अच्छा जी, पहले मैं सबको बता देती हूँ, रिदा ने एक गाना सीखा है बड़ा प्यारा सा और रिदा जो है वो हम सबको सुनाने लगी है. कम ऑन रिदा, स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9, 10 मेरी जान तूने मुझको पागल किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, मालूम मेरी जान जाने ना दूँगा मैं तुझको, फिर बैठे से तेरे ये डेडिकेट किसको कर रही है यार? या हादी को कर रही है डेडिकेट? और हादी हादी की मोहब्बत में इसने गाना जी याद किया और हादी को डेडिकेट किया है. क्लैपिंग फॉर रिदा, ये रिदा वेरी गुड. मैंने सोचा कि मैं हादी की पहली शबरात जो है उसकी शेयर करूं. नाना नानी मुमानी और खालाओं की तरफ से उसकी पहली शबरात आई थी. इसको हकलेला कहते हैं, जो अरब ममालिक में रहते हैं या जिनका बचपना गुजरा है उनको तो पता होगा कि हकलेला क्या है. जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि शबरात के 2 से 3 दिन तक जो है यहाँ पे हकलेला बांटी जाती है. ये बेसिकली क्या होता है, इसमें बच्चों के खाने की चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं और ये रिश्तेदारों में और नेबर्स वगैरह के बच्चों को दी जाती हैं. हादी की हकलेला देख के तो मुझे अपना बचपना याद आ गया कि हमने भी कितनी ली हैं और हमने कितनी बांटी हैं. बड़ी प्यारी सी रस्म है ये एक अरब ममालिक में कि आप जैसे कि माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है और इतना खूबसूरत और इतना हैपनिंग मानता है कि आने से पहले ही एक अलग पॉजिटिव वाइब्स फैल जाती है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग सो गुड एंड सो यू नो एक्साइटेड फॉर दिस मंथ. तो बस खैर से रमज़ान आ रहे हैं, हमने अपनी लाइटिंग्स लगा दी हैं, स्टार्टिंग हमने किचन से की है. अभी बालकनी में भी लाइटिंग रहती है और हर साल की तरह जैसे हम घर में जो है रमज़ान की अकॉर्डिंग टू रमज़ान थीम चीज़ें लाते हैं और डेकोरेट करते हैं, तो बस वो भी करना बाकी है और जब वो मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी.
आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है। पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक आप अपना सब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।